Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. तो आसिया बताइए, प्रीवियस फ्राइडे को क्या हुआ था, कहाँ तक हुआ था बताइए. सर ग्रुप 16 स्टार्ट किया था और उसका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सल्फा करवाया था. डिफरेंट फॉर्म ऑफ सल्फा. हाँ, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सल्फर, यानी सल्फर की एटोमिसिटी भी थी और सल्फर के तीन फॉर्म थे, S6, S2 एंड S8. यस सर. इसी के एक लाइन छोड़ के एक स्टार पॉइंट डालिएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. आपको S8 भी है, SE8 भी है और TE8 भी. इसमें सबसे स्टेबल जो होता है, जिसका साइड छोटा रहेगा वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, इसलिए S8 में भी ज्यादा स्टेबल जो होता है वो सल्फर का फॉर्म होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट टॉपिक डाली ऐसा कर चुके हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी. ठीक है, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज का मतलब ही होता है सेल्फ लिंकेज ऑफ आइडेंटिकल लेटर. पिछले क्लास ग्रुप 15 ने बताया था कैटेनेशन किन बातों पर डिपेंड होता है, एटम एटम बॉन्ड स्ट्रेंथ पर. याद है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ. हाँ सर, इससे पहले मैं कुछ नहीं था, यही है यही है. तो जिसकी भी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी उसके अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होगी. आपको ग्रुप 15 में बता दिया था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में फास्फोरस की कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा थी फिर नाइट्रोजन, जबकि पी सिंगल बॉन्ड पी एन सिंगल बॉन्ड एन में सेकंड पीरियड इसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन लोन पे रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग था. क्या याद है सबको ये लाइन? हाँ या ना, जल्दी बताइए. Yes, sir. Similarly, यहाँ पर भी होगा. सल्फर शोज, सारी लाइन वही ग्रुप 15 की होगी. सल्फर शोज, बस यहाँ पर ऑर्डर लिखना है, मोर कैटेनेशन प्रॉपर्टी देन ऑक्सीजन. रीजन वही लिखिएगा जो फास्फोरस नाइट्रोजन का था, बस वहां फास्फोरस की जगह सल्फर, नाइट्रोजन की तरह ऑक्सीजन. सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं. और हो सकता है अगर आपको ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन प्रॉपर्टी पूछे, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ सल्फर के बाद ऑक्सीजन नहीं आता, सिलोरियम आता है, फिर ऑक्सीजन, फिर इसका रीजन वही है जो वही बताना है. ऐसे मैं लिख देता हूँ, ऐसे तो आपको पूरा लिख दिया. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, यहाँ दो लोन पेयर है ऑक्सीजन और साथ नाइट्रोजन पे एक ही लोन पेयर है ना, यहाँ दो लोन पेयर है तो यहाँ ज्यादा रिपल्शन, इसलिए यहाँ सल्फर के बाद ऑक्सीजन नहीं आएगा. शोज दिस नाइट्रोजन के फास्फोरस के बाद नाइट्रोजन था, यहाँ सल्फर के बाद ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ लोन पेयर ज्यादा है, ज्यादा रिपल्शन. तो ये सब कुछ समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन,
सारे लोगों ने लिख लिया, बताइए। यस सर। यस सर। अब ये फिजिकल स्टेट, वही लाइन रहेगा, ऑक्सीजन जो है गैस, बट मेनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 इज सॉलिड। याद है वहां भी बताया था ना आपको, देखिए गैस का रीजन क्या था कि ऑक्सीजन में पी पाई की बनाने की टेंडेंसी है। जल्दी बताइए हाँ या ना। लो yes. बाकी के अंदर पी पाई बनाने की टेंडेंसी नहीं है, ज्यादा सिंगल कौन बनाएगा, इसलिए है रीजन सब ग्रुप 15 से देखेंगे। इसलिए मैं सब कुछ डिटेल में इसलिए 15 में पढ़ा चुका हूँ। जितना साइज बढ़ता है तो पी पाई बनाने की टेंडेंसी, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ती है और लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी बढ़ती है। ये आपने बताया गया था, बताइए हाँ या ना, सही कह रहा हूँ? हेलो एवरीवन, लिख लिया तो बताइए। दूसरा वही आई इसमें, हाँ एक आयोनाइजेशन और आयोनाइजेशन एनर्जी तो 11th में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, इतना साइज छोटा होगा। ऑक्सीजन सल्फर सेलुरियम टेलुरियम पोलोनियम की बात करें, साइज में कोई एक्सेप्शनल केसेस नहीं है, आपको साइज बाद में मिलते हैं। ऑक्सीजन का ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइज, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। देखिए अब आइए, देख लिया तो बताइए सर। हमने कहा का हम जो पढ़ चुके हैं वही सब है, 15 को जो पढ़ लिया अच्छे से, हाँ कुछ नई बातें सब आएंगी वो एक अलग बात है, इसमें ग्रुप 15 को पढ़ लिया सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बताइए आगे बढ़े, जल्दी बताएं साइंटिस्ट। हेलो एवरीवन, यस सर। यस सर। अब आइए, हमने 11th में आपको सिखाया, अब देखिए इसमें नोट है आना, जैसे ये तो आप जानते हैं लेकिन आपके सिलेबस में भी और 11th में भी। ये है ग्रुप 15 और ये है ग्रुप 16, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम पोलोनियम बिस्मुथ, पीरियड सिटी पीरियड थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड सिक्स। देखिए ग्रुप 15 में क्या होता है, NS²NP3, यहाँ होता है NS²NP4। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता है, लेकिन आप जान लीजिए नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड है, सारे बताओ P3 हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, याद है ये लाइन? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। और मैंने कहा था देखिए नोट्स में, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड का कंसेप्ट तभी होगा पीरियड में एक एटॉमिक नंबर एक का डिफरेंस होना चाहिए, और नाइट्रोजन का मुकाबला फ्लोरीन से कराएंगे तो फिर वहाँ फ्लोरीन साइज छोटी है वो डोमिनेंट होगा, भले नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड है। ये बात भी याद रखें, हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड का कंसेप्ट सेम पीरियड में तभी लगता है जब एक एटॉमिक नंबर का डिफरेंस, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन। और से सुनिए लिखिएगा, जानते हैं आप टेबल में डेटा देखें एंटीमनी और टेलोरियम में, टेलोरियम का ज्यादा क्यों, और से सुन ये जो बुक लिखता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी डेटा के बेसिस पर है, आप ग्रुप 15 में जाके देख लीजिए एंटीमनी और बिस्मथ के आयनाइजेशन एनर्जी की बात, टेलोरियम और टेलोरियम के आयनाइजेशन एनर्जी की बात देखते हैं, सर ऐसा क्यों, मैं लॉजिक देता हूँ और से सुन।
केमिस्ट्री में याद रखिए कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फुल एंड फुल्ली फुल्ली इज एप्लीकेबल ओनली इन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्लास। केमिस्ट्री कहता है कि जितनी देखिए आपको याद नहीं है कि जैसे जैसे हायर पीरियड बढ़ेगा एनर्जी गैप कम। बोर मॉडल का क्या था देखिए एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, याद है ये ना? हाँ या ना जल्दी बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर मॉडल। अरे बोलो हेलो एवरीवन। यस सर। लेकिन उसमें ये भी लिखा दिया गया था एनर्जी गैप कम होता जाएगा। जब एनर्जी गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, थोड़ी सी एनर्जी देंगे चला जाएगा। इसीलिए इसलिए मैंने लिखा है हाफ फिल फुल्ली फिल का यहीं तक कॉन्सेप्ट। सुनिए सेम पीरियड में हाफ फिल फुल्ली फिल का कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई होगा एटॉमिक नंबर वन पे। अब नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से मुकाबला होगा तभी नाइट्रोजन हाफ फिल का कॉन्सेप्ट देगा। नाइट्रोजन फ्लोरीन तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा। एप्लीकेबल इन हायर पीरियड क्योंकि खुश सोचिए हायर पीरियड में देखिए ऐसे भी समझिए हाफ फिल ये भी हाफ सब में हाफ फिल है सब स्टेबल है लेकिन अगर मुकाबला होगा तो नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है एनर्जी कैप ज्यादा है। एनर्जी कैप ज्यादा होता है स्मॉलर पीरियड में तो मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑन इलेक्ट्रॉन। कोई बोल ही नहीं रहा हमें हाँ ही नहीं मिला रहे हो यार तुम लोग, समझ में आ रहा है? यस सर। ये लाइन इज इम्पोर्टेंट यही के लिए पढ़ने आते हैं यार। हाँ फिल फुल्ली फिल तो 99% स्टूडेंट को पूरे हिंदुस्तान में मालूम होगा भाई आयनाइजेशन एनर्जी किन पर डिपेंड करती है, लेकिन इस तरह के पॉइंट अब कम स्टूडेंट को मालूम रहता है कि भाई ये चीजें कहाँ है। और ये सब एनसीईआरटी में भले एनसीईआरटी नहीं लिखा किसी कंट को तो वो आप इसीलिए आप कोचिंग या गाइडेंस की जरूरत है। डेटा बताता डेटा को देखिए डेटा बेस्ड टॉपिक है इनऑर्गेनिक। डेटा बता अब उसको कैसे याद रखेंगे तो इलेक्ट्रिक से याद रखेंगे भाई हाफ फिल फुल्ली फिल एक बात पहले तो ये लिख लीजिए फिर हम दूसरी बात बताएंगे। ये सबको समझ में आया अच्छे से? हाँ या ना जल्दी बताओ। यस सर। लिख लिया तो बताइए। Has everyone noted down this slide? Done, sir. अब आइए नोट। स्कूल लेवल पर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड लेवल पर? एक तो ये एवरी एलिमेंट का होगा मेरे साथ साथ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 shows generally shows जबरदस्ती ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? सारे लोग आपकी इंग्लिश अच्छी है, क्या वर्ड लिखा हुआ है? generally सुनिए आगे generally shows low value of first ionization compared to the corresponding period of group 16. Group 16 की ionization energy जबकि ज्यादा होनी चाहिए size के लिहाज से। इंडा ग्रुप 16 का आयनाइजेशन एनर्जी करस्पोंडिंग पीरियड ग्रुप 15 से कम, इसलिए करस्पोंडिंग का वर्ड है सेकंड पीरियड नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस करस्पोंडिंग। ये यहां पर नहीं लिखा कि लेस देन, जनरली लिखा। तो जनरली इंग्लिश का वर्ड समझ रहे हैं?
कुछ एलिमेंट के 16 का कुछ एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा भी है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। हेलो एवरीवन, हाँ ये स्कूल लेवल पे इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। अब सिंपल कहेंगे याद रख लीजिए। क्या सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। वेरी वेरी इसी सबको पढ़िए, बहुत अच्छा आपको कहिएगा। सर वो ईसी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। आप यही पूछिए लास्ट लाइन रिमूव के नीचे क्या लिखा है? हाँ मैं बता देता हूँ, ये वाला कंपेयर टू ग्रुप 16। अनुभव आप पूछ रहे थे रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू। अच्छा लक्ष्य, लक्ष्य आप शुरू से हैं, सब कुछ समझ में आया? लक्ष्य आप शुरू से हैं, स्टार्टिंग से? नो सर, मैं 6 to 4:10 का रहता हूँ। अच्छा एक मिनट लीजिए, पहला स्लाइड है, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए लक्ष्य। लिया? यस सर। आप मुझे नंबर नहीं भेजा, मैं चाहता हूँ 4 वीडियो लेक्चर आप जरूर देखें जल्दी से ऑर्गेनिक का, प्लीज। ये नंबर लक्ष्य आप भूल जाते हैं, आप मुझे अभी भेज दीजिए, ठीक है लक्ष्य? यस अभी। हाँ तो आप भूल जाते हैं, मैं चाहता हूँ स्पीच में आप देख लें। चलिए ये स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ ये अब मैं बता देता हूँ, एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू ग्रुप 16। सबको मालूम है कि हाफ फिल फुल्ली फिल स्टेबल होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 और 16 में 15 की ज्यादा होगी। लेकिन ये रूल सही होगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अंटीमनी और बिस्मथ का मुकाबला टेलुरियन पोलोनियम से होगा तो फिर ग्रुप 16 की होगी। उसका लॉजिक देना है, स्टेबिलिटी का कंसेप्ट अगर लगेगा भी तो सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड में, हायर पीरियड में नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़े, सब लोगों को समझ में आ गया अच्छे से? चलिए वेरी गुड, अब आइए नेक्स्ट, वही फिर आइए बॉइलिंग पॉइंट, अब वहां भी पढ़ा था कि नहीं जल्दी बताइए। हाँ देखिए बॉइलिंग पॉइंट इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझा? या नहीं तो वही चीज है, मैंने कहा मॉलिक्यूलर वेट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उससे क्या होता है वंडरवाल फोर्स। अब सुनिए, लिखिएगा नहीं, आपके पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, सोलोरियम है, टेलोरियम है, पोलोनियम। ये बात याद रखिए, टेलोरियम लॉजिक याद रखिए, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में है, लॉन्ग चेन TEH है पॉलीमेरिक फॉर्म में, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट टेलुरियम की ही होगी। और अजीब विडंबना है, वहां भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में भी सबसे ज्यादा एंटीमनी, फिर बिस्मथ का था, फिर मॉलिक्यूलर वेट का नंबर था। याद है आपको? सबको याद होगा ना? हेलो हेलो हेलो, वही हाल यहाँ पर, ये पॉलीमेरिक है,
टेलुरियम के बाद पोलोनियम, फिर सेलेरियम, फिर सल्फर, फिर क्या होगा ऑक्सीजन। वही रीजन वही देंगे, पॉलीमेरिक फॉर्म है, लॉन्ग चेन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, समझा। जबकि मॉलिकुलर वेट पोलोनियम का, लेकिन टेलुरियम का नंबर इसलिए पहले आया कि ये पॉलीमेरिक फॉर्म है, लॉन्ग चेन बनाता है। विल यू अंडरस्टैंड? हेलो मानसविन शाह, हाउ आर यू? मानसविन शाह कैसे हैं आप? आपकी आवाज सुनाई नहीं देती है। यस सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबको समझ में आ गया? यस सर। सब लोगों ने लिख भी लिया, बताइए। यस सर। अब आइए, हमने क्या कहा था, जो चीज वहां पढ़ा है, अब आइए मेल्टिंग पॉइंट। अब पहले कंसेप्ट मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या कहा था, सबसे पहले क्या चीज को देखेंगे, पॉलीमेरिक, फिर आयनिक, फिर मेटालिक, फिर मॉलिक्यूलर। याद है ये लाइन? बोलिए। यस सर। हाँ, वेरी गुड गुड। मेल्टिंग पॉइंट में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम, टेलोरियम, पोलोरियम, बताइए इसमें पॉलीमेरिक फॉर्म कौन है, जल्दी बोलिए। टेलुरियम है, जल्दी बोलो। टेलुरियम की मतलब ऐसे समझ समझ के याद कीजिए। अब टेलुरियम के पॉलीमेरिक के बाद ग्रुप, अब ग्रुप 15 में सारा कंसेप्ट है। उसके बाद मेटल, आयनिक तो कोई नहीं है, मेटल को देखेंगे, मेटल कौन है, पोलोरियम। बाकी आप फिर वही चेन, चेन का फॉर्म सल्फर, ऑक्सीजन, याद रहेगा सबको। हेलो एवरीवन, हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। हाँ, तो मैं वहां पर एक नोट में लिख देता हूँ, पहली बात टेलुरियम पूरे ग्रुप 16 में ऐसा है, हैज हायर, जो इसमें बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है ना, वही मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर, ये खास बात है, हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू पॉलीमेरिक फॉर्म। पॉलीमेरिक फॉर्म में क्या क्लोज चेन होगा, पॉलीमेरिक। नोट का पहला पॉइंट इस तो यहाँ तक पहुंचने में वहां दो दिन लेक्चर लगा था, जल्दी कीजिए। लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस सर। अच्छा, याद कीजिए नोट। अच्छा, मेरे जगह की कमी थी, नोट का ये पहला पॉइंट था, नोट का दूसरा पॉइंट लिखिए। मैं इसे रिलेट कर रहा हूँ रिविजन के बाद, याद कीजिए। 50 में नहीं दिखवाया था कि नाइट्रोजन फास्फोरस के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ, फास्फोरस से आर्सेनिक में जाएंगे, इसमें भी डिफरेंस है, लेकिन इस दोनों में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। यहाँ पर भी वही पॉइंट देखिए, मेरे साथ साथ कि रिलेट करके पढ़िए, दोनों को रिलेट करके पढ़िए, एक को याद रखिए, दूसरा डिफरेंस, देयर इज लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट एंड melting point between nitrogen and phosphorus. Simple. Because oxygen exists as diatomic. But atomicity, but sulfur
एग्जिस्ट एज, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एजर्शन रीजन। मस्त समझिएगा सर ऐसे ही लिखा रहे। संडे का वीडियो लेक्चर आप देख लेंगे क्वेश्चन डिस्कशन का, प्लीज सारे लोग क्वेश्चन डिस्कशन हुआ था, जो लोग नहीं आए वो तो देख लेंगे। सर आपने एन एंड टी लिखा है सर, वो ओ एंड एस समझे। फिर से बोलिए सर, आपने नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, ऑक्सीजन एंड सल्फर। हाँ वेरी गुड, सॉरी फॉर दैट, अ लॉट ऑफ थैंक्स। बहुत अच्छे आदमी है। और ये आसिया, स्वस्ति, अनुभव, मानस बिन और मानस विंशा, मानस जोशी, यशवर्धन, सब लोग जीओसी का शुरू का अच्छे से आप कार्बोकेटाइन का इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तक पढ़ लीजिएगा। सुना? हेलो यस सर। हाँ फिर बाद में नहीं कहिएगा कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज। इससे वक्त बचेगा तो हम ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे। ये सब बहुत दफा आपने इलेवेंथ में पढ़ा है, खासकर आपके बैच को। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? लक्ष्य आप ऑर्गेनिक की एक अलग कॉपी नोटबुक बनाइएगा। मैंने अभी चार लेक्चर भेजा है, ये नहीं कि आप चारों आज ही देख लेना, एक आप रूटीन बना लीजिए कि हमें एक लेक्चर देखना है। कोई डाउट होगा मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको अलग से टाइम दे दूंगा, ठीक है? लक्ष्य आप ऑर्गेनिक की कॉपी अलग से बनाए। चलिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, कैटेनेशन हो गया, एटमिसिटी होगी, फिजिकल स्टेट हो गया, सब कुछ आपने पढ़ लिया। अब आइए, कितना जल्दी ये वाला पार्ट हो गया, उसमें तीन लेक्चर लगा था यहाँ तक पहुँचने में। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 देखिए। पहला है, इसमें भी सारी बातें रिपीट हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, इसी को क्या कहते हैं, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16। इसका जनरल फॉर्मूला होता है H2E। बताइए स्वस्ति ई को क्या कहेंगे यहां पर? ग्रुप 16 है। रिएक्टिविटी ये है, जैसे H2O, H2S, H2SE, H2TE। हम पोलोनियम की बात नहीं करेंगे क्योंकि पोलियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, हम इसीलिए हाइड्राइड में चार की बात ही करेंगे। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। लिख लिया? Yes, sir. इसका सबसे पहला पार्ट जो उसने नहीं पढ़ा था इसमें पढ़ेंगे, वहां बेसिक करैक्टर पढ़ा था, यहाँ एसिडिक करैक्टर। लिखिए सर, लिखिएगा आपके पास है H2O, H2S, H2SE, H2. देखिए हमेशा याद रखिए, अब ये नई चीज आई है तो थोड़ा डिटेल में समझिए। अब फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, AS का फुल फॉर्म है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड किसको कहते हैं भाई? नॉन मेटल हो और हाइड्रो। इसके दो फैक्टर हैं, सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करेगा, प्लीज प्रोसेस। अगर पीरियड है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन अगर ग्रुप में है तो एकदम ये सब कंसेप्ट समझा रहा हूं, एसिडिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम।
देखिए साइज बढ़ेगा तो बताइए बॉन्ड वीक होगा, तो जब बॉन्ड वीक होगा तो H प्लस आसानी से रिलीज हो जाएगा कि नहीं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होने की वजह से? जल्दी बोलिए हाँ या ना, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। हेलो एवरीवन, तो याद रखिए हाइड्रा एसिड की एसिडिक करेक्टर अगर चेक करनी हो तो दो कंसेप्ट याद रखिए, पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और ग्रुप में किस पर डिपेंड करेगा, जल्दी बताएं। साइज में, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यही आएगा ग्रुप 17 में HF HCl HO। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ फिर मैं आपको स्कूल लेवल के लिहाज से क्या लिखना है वो लिखाता हूँ। अगर मैं सिर्फ कॉम्पिटिशन के लिहाज से लिखाता तो ये लिखा के मैं पढ़ जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ सब कुछ आपको आए, दोनों व्यूज आपको आए। अब यहाँ पर भी वही होगा, ये सेम ग्रुप का है तो हम साइज को देखेंगे तो HI स्ट्रॉन्गर एसिड हो, उसी तरह यहाँ H2O H2S है, लास्ट में H2TE है। अगर H2PO भी रहता मान भी लें H2PO, चलिए मैं लिख भी देता हूँ पांचों को लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पर जनरली चार का ही देखता है क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट हाईली अनस्टेबल होता है। मैं कहीं पर लिखूं या ना लिखूं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, H2PO जो भी लिखा है। यहाँ पर भी एसिडिक करेक्टर बताइए ज्यादा कौन होगा, जल्दी बताइए H2PO होगा कि नहीं मोर एसिडिक। हेलो एवरीवन, यस सर। बस अब आपने कंसेप्ट सीख लिया कि हाइड, अच्छा इसलिए याद, ये हर जगह मत लगा दीजिएगा, इसलिए मैं ये सब वर्ड लिखता हूँ, हाइड्रा एसिड ऑक्सी एसिड एक अलग है वो आप पढ़िएगा 17। हाइड्रा एसिड के एसिडिक है, देखिए तीन एसिडिक के एसिडिक करेक्टर आप पढ़ ले, एक की पढ़ चुके हैं और देखिए मैं आपको एक पता एक लग गई है, नॉन मेटल भी, नॉन मेटल के ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं याद है, नॉन मेटल के ऑक्साइड बताया था ना आपको, बोलिए बोलिए देखिए yes. वो पढ़ चुके हैं उसके भी उसका एसिडिक करेक्टर फैक्टर पढ़ चुके हैं। देखिए तीन एसिडिक इस चैप्टर इस पूरे ग्रुप में पढ़ेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक करेक्टर अभी पढ़ रहे हैं, हाइड्रा एसिड 17 में पढ़ेंगे, ऑक्सी एसिड, इन तीन के अलावा कोई एसिड अब होता ही नहीं है। मैंने पढ़ा चुका था N2O5 PO4 P4O10, जब भी ऑक्साइड की एसिडिक करेक्टर पूछा जाए तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को देखिए, +5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते तो साइज को, साइज छोटा हायर एसिड, नॉन मेटल ऑक्साइड की एसिडिक करेक्टर है, साइज छोटा एसिडिक करेक्टर, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ साइज बड़ा एसिडिक करेक्टर, क्यों साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो एच प्लस आसानी से, चूंकि वहां एच प्लस नहीं है यहाँ एच प्लस की वजह से। सबको समझ में आया हाँ या ना? हेलो एवरीवन, लिख लिया तो बताइए। ठीक है, gives easily H plus. So reason मैं लिखवा देता हूँ, ये आपको इस तरह को आएगा, ये हुआ conjugation point of view से कि एक line से देख के answer देता हूँ। Order सिर्फ क्या है, objective मेरे क्या है, तो order size को देख के बता दें। लिख लिया? Yes, sir. लग सब लोगों ने लिख लिया, मानस वेन, मानस वेन सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir.
अब आइए इसमें दूसरा पार्ट, जो पहले यही लिखवाना चाहिए था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ईएच बॉन्ड। सिंपल है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर आपसे कोई पूछे H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO, वहां भी आपने देखिए नोट्स में होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा इसका होगा, समझा? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड, EH जैसे यहाँ OH बॉन्ड, यहाँ ये हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, टू स्ट्रॉन्ग, टू स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बोलिए सारे लोग लिख लिया? यस यस। सी पार्ट देखिए, क्या वहां हम लोगों ने थर्मल स्टेबिलिटी नहीं पढ़ा था? देखिए थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या था, स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट। थर्मल स्टेबिलिटी के लिए दो चीज देखेंगे, कोवेलेंट है कि आयनिक है, अगर कोवेलेंट है तो बॉन्ड एनर्जी के प्रोपोर्शन। सारी बातें ग्रुप 15 में पढ़ी है, क्यों मैंने सिखाया था आपको थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अब बताइए सारे लोग H2O, H2S, H2SE, H2TE, बताइए कौन ज्यादा थर्मल स्टेबल है, जल्दी बताइए सारे लोग। H2O ही है कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes. अब ये मत कहिएगा H2PO क्यों नहीं लिखा, H2PO होगा तो वो और वही सबसे कम होगा, लेस थर्मल स्टेबल, लो बॉन्ड डिसोसिएशन। सब रीजन आपको लिखाया जा चुका है, ग्रुप 15 को पढ़िए, ये सब रीजन आपको लिखाया जा चुका है। निकलिए सारे लोग, हाँ या ना बताइए। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। यस सर डन सर। मेरी बात यकीन हो रही है ना कि 15 पढ़ लेने पर 16 हो जाएगा, जल्दी बोलिए सही चल रही है, सही बात हो रही है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। मानस जोशी, मानस बेन, स्वस्ति, दिव्यान, यशवर्धन, लक्ष्य, सारे कम से वही है, आया ना। हेलो एक दफा और 17 में आएगा, इसलिए कहता हूँ पर डे पढ़ लीजिए तो आपको बहुत मजा आएगा। 15 में मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया, एक एक चीज को समझाया, 11th का भी समझा दिया तो मुझे ज्यादा टाइम लगा, वही हाल ऑर्गेनिक में भी होगा, पहले चैप्टर को खत्म करने में ज्यादा टाइम लगता है। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना। बोलिए बोलिए लिख लिया? यस यस सर। देखिए DIE, क्या आपने वहां रिड्यूसिंग करैक्टर नहीं पढ़ा? रिड्यूसिंग करैक्टर भी स्ट्रेंथ ऑफ EH बॉन्ड पर डिपेंड करता है, मैं सब लिखा चुका हूँ। जो आसानी से हाइड्रोजन दे, H2TE, H2PO, कहीं पर लिखो पीओ ना लिखो, NCERT ने H2PO के बारे में नहीं लिखा क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, लेकिन मैं लिख देता हूँ जानबूझ के, या ना भी लिखूं तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखिए थर, बताइए कौन सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग करैक्टर है ये, क्योंकि चूंकि क्यों है, इट हैज ईकर EH बॉन्ड, EH बॉन्ड है। अब जाके पढ़िए ग्रुप 15 प्रेजेंट क्यों है, ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ टेलुरियम।
ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर, सारा कंसेप्ट वही है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर क्या सारे लोग हैं या ना? कोई बोल ही नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। लिख लिया? क्लियर सर। आप बताइए, देखिए फिर वही बात ई। अब हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा सारे लोग देखिए, हाइड्राइड के बॉइलिंग पॉइंट में सारे लोग बताइए, इसमें अब हम सिर्फ मॉलिकुलर वेट को तो नहीं देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को भी देखेंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हाँ या ना, जल्दी बताइए, हाइड्रोजन बॉन्ड है किसी में? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है किसी में? यस। इसमें है वाटर, H2O, वाटर है। इसमें तो आप लगाएंगे, देखिए और से सुनिए, मॉलिकुलर वेट बढ़ा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होगा, जल्दी बताइए? ड्यूटी हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, यस। लेकिन यहाँ और वहां के फर्क एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट इज हाईएस्ट अमंग हाइड्राइड ऑफ ग्रुप सिस्टम। सो गया, वहां क्या था, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा वीक था, KSH3, SbS3 और BiS3 में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका था? इसका। फिर इसका तीसरे नंबर पर आया था अमोनिया। यहाँ पर हम कहेंगे H2O, फिर आप पलट दीजिए H2TE, H2SE और H2S। समझ में बात आ रही? हेलो एवरीवन, बोलिए ना, सब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग। यस, यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसका रीजन यही है। सब कॉन्सेप्ट पढ़िए, वही सब है। चलिए आगे बढ़े, बताइएगा, सब लोग लिखने पर बताएंगे। वाह, बताइए, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. इसके बेसिस पर एक नोट लिख लीजिए। H2O is liquid, but H2S is gas.
to smaller size and higher electronegativity of oxygen molecules of water is associated for a hydrogen bond. A hydrogen bond is strong bond with that, resulting in its liquid state. क्या SQS में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है जल्दी बताइए. नो हाइड्रोजन बॉन्ड. वीक वंडरवाल फोर्स गैसेस स्टेट. तो आप ये कहना है कि भाई क्योंकि स्मॉलर साइज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड रिजल्टिंग इन इट्स लिक्विड, इसलिए लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. और ये सबको समझ में आ रहा है. अमाना जोशी अनुभव जोशी मानस वेन सबको समझ में आया ना? Yes, sir. हाँ yes, sir. लिख लिया बताइए सारे लोग. लिख लिया? Yes, sir. Yes. ये आपका था ई पार्ट. एक पार्ट आइए मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है. ग्रुप 15 में अमोनिया का ज्यादा था हाइड्रोजन बॉन्ड. फिर आपने मॉलिक्यूलर वेट वही हाल यहाँ पर भी है. H2O, H2S, S2T, S2SE, S2TT. आपको कहे ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट तो H2O जो वहां ऑर्डर था वही उसी तरह H2SE जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वही यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है. यहाँ पर वही कहेंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएगा तो मेल्ट करने की टेंडेंसीज के लिए ज्यादा हीट की जरूरत होगी ड्यू टू हाइड्रोजन. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबका कॉन्सेप्ट आपको हाइड्राइड वहां भी पढ़ाया गया यहाँ भी आपसे. वहां भी अमोनिया का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट था. उसके बाद मॉलिकुलर वेट को अब डोमिनेंट करता है. बोलिए लिख लिया. जी अभी बॉन्ड एंगल पढ़ाया था आपको. हाँ या ना जल्दी बताइए. उसने बोलते ही नहीं है कोई लोग. H2O, H2S, H2SE का बॉन्ड एंगल के लिए क्या कंसेप्ट दिया था. सबसे पहले क्या करेंगे बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालेंगे. याद है बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम को कहते हैं. लोन पेयर तो सब पर दो दो लोन पेयर है ना. दो दो लोन पेयर बोलिए. दो दो लोन पेयर
जब बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम सेम होगा तो बताइए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, फिर किसको देखेंगे बताइए? जब बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम सेम होगा तो लोन पेयर को देखेंगे, लोन पेयर भी सेम है तो फिर किसको देखेंगे जल्दी बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर, वेरी गुड, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर। वही चीज कांसेप्ट नहीं आ रही है, कोई स्टूडेंट के पास बहाना ही नहीं है कि पी ब्लॉक बहुत बड़ा है, है बड़ा, ज्यादा 10 नंबर का है वो एक चैप्टर, उसने अच्छे से पढ़ लिया तो है ही, बोर्ड में भी अच्छा नंबर आएगा, फाउंडेशन में भी आएगा, सारे कंसेप्ट वही रिवीजन हो रहे हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल स्टील का ज्यादा फिर इसका, और वाटर का तो बॉन्ड एंगल याद भी रखिए 104 डिग्री, इसका 92.5 होता है, इसका 90 होता है, बॉन्ड एंगल रीजन के साथ मैं पढ़ा चुका हूँ। शेप जो होगा वो बेंड शेप होगा, लोन पेयर है समझा, sp3 हाइब्रिडाइज है, बेंड शेप कहते हैं उसको, वी शेप भी कहते हैं, सब पढ़ा है। ये लिख लिया सारे लोग आया ना? ओ एवरीवन लिख लिया? Yes, sir. इसमें एक पार्ट एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, इसलिए एलिमेंट्स के केमिकल फॉर्म में पढ़ चुके हैं, मैं बता देता हूँ। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट तो आप समझ चुका है ना, और बोलिए ना डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। हेलो एवरीवन, लाइक सब लोगों ने सुना है कि जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर जब देखना हो तो ये याद रखो, फॉर ए बी टाइप का मतलब हुआ कि दो डिफरेंट ए बी टाइप मॉलिक्यूल अगर है, कितने नंबर है उस समझ, सिर्फ दो ए बी टाइप है, जैसे H2O ए बी टाइप ऑक्सीजन हाइड्रो है, बोलिए ना सबको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ए बी टाइप का मतलब सबको समझ में आया? हाँ ना, जल्दी बता दो। यस सर। हाँ, अब जैसे मान लिया कोई का POCl है, अब इसमें तीन डिफरेंट एटम होंगे तो ये बी टाइप नहीं है। ए बी टाइप मतलब दो डिफरेंट एटम, चाहे वो नंबर में जितना हो उससे हमें मतलब नहीं है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर हाइड्रोजन दो डिफरेंट एटम है बस, तीन डिफरेंट एटम नहीं है, हमें नंबर से मतलब नहीं है कि इसमें तीन एटम है तीन है, हमें दो डिफरेंट से मतलब है, दो डिफरेंट है चाहे उसका नंबर जितना ज्यादा हो, इसलिए याद रखिए इसमें डायपोल मोमेंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, या हर जगह नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो तो डायपोल मोमेंट ज्यादा हो भी सकता नहीं हो सकता है, लेकिन ए बी टाइप के लिए ये रूल सही है, इसलिए सबसे ज्यादा पोलर वाटर पोलर होता है, मोर पोलर, डायपोल मोमेंट से क्या पता चलता है मोर पोलर, इसलिए सुनिए वाटर के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का एक रीजन ये भी है, मोर पोलर भी है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। आप यहाँ पर अमोनिया का भी, ये भी ए बी टाइप है, इसका भी लिख लीजिए SS3 SbS3 BIS3, इसमें भी ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट में, ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट में ए बी टाइप है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मोर पोलर, हाँ मोर पोलर तो है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा वीक है। चलो ये चलते इसका पढ़ा आपने, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, अरे डाइपोल मोमेंट सबको समझ में आया? हाँ आना जल्दी बता दीजिए। हेलो एवरीवन, वेरी गुड सर, बहुत अच्छे आदमी यार, बहुत अच्छे।
लिया? यस सर। ये पूरी नॉलेज हुई आपको हाइड्राइड के बारे में। क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बताइए सारे लोग, ये लिख लीजिए। लक्ष समझ में आ रहा? मानसविन सबको आ रहा समझ में? मानसविन शाह, यशवर्धन जी आपको भी आ रहा है? यस। हाँ, देखिए 8 कंसेप्ट आपने दोबारा पढ़ा और यही 8 कंसेप्ट आप ग्रुप 17 में भी पढ़े। जो बच्चा सही से नहीं पढ़ा वो आप जानिए, इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है। लिख लिया, आगे बढ़े तो बताइएगा। अब ये दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। वहां भी पढ़ा था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये दो तरह का होता है ऑक्साइड, दो तरह के होते हैं, डाइऑक्साइड, फॉर्मूला EO2, और एक बनता है ट्राइऑक्साइड EO3। वेयर ई, जहां पर ऑब्वियसली खुद ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ई जो है वो सल्फर है, सेलोरियम है, टेलोरियम है, फ्लोरियम। ऑक्सीजन तो खुद कंबाइन कर रहा है, तो पहले लिख लीजिए इस तरह। तो ये लिख लिया, हेलो एवरीवन। ऐसे लिख लिया, डन सर। मतलब ये हुआ इसका कि एक अगर आपको ये कहे ट्राइऑक्साइड है, मतलब ये हुआ ट्राइऑक्साइड है, मतलब ये हुआ कि सल्फर है तो SO2 बनाता है, लिखना शुरू कीजिए। सेलोरियम है तो SO3 बनाता है, टेलोरियम है तो TO3 बताता है, पोलोनियम HO2 और ये ट्राई नहीं बनाता क्योंकि रेडियो एक्टिव हो जाता है। मैंने जान कुछ कुछ बता दिया, अब देखिए आप लिया सारे लोग। लिख लिया, हेलो एवरीवन। यस सर। अब देखिए सबसे पहली बात, रिमार्क्स लिखिए सबसे पहला। SO2 is gas, but TO2 हुआ, CO2 हुआ, ये सब हुआ आप सॉल्ट। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो बताइए वंडरवाल फोर्स बढ़ता है कि नहीं, जल्दी बताइए। As the molecular weight increases, जल्दी बताइए। Yes, sir. Molecular weight जब बढ़ता है, आपको ये बात याद रखिएगा कि
नंबर वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, बढ़ता है, और पॉलीमेरिक नेचर, साइज वाले पॉलीमेरिक नेचर इंक्रीज होता है। जब पॉलीमेरिक इंक्रीज होगा इसलिए बाकी जो होगा उस सॉलिड होगा, ये साइज में छोटा है। आया सबको समझ में? आ जाना एनी प्रॉब्लम? ये भी लिख सकते हैं पाइप ऑन फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होता है, साइज घटने पर बढ़ने पर पाइप फॉर्मेशन टेंडेंसी घटती है कि नहीं जल्दी बताइए। अब देखिए सल्फर में डबल बॉन्ड है इसलिए वीक है, इसलिए ये गैस है। बाकी में देखिएगा ये सिंपल फॉर्म में नहीं पाया जाता, पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता। बाकी जो इसलिए लिख दिया गया मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, वैन डर वाल फोर्स बढ़ा, पॉलीमेरिक नेचर बढ़ा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी घटा, इसीलिए ये पाई बॉन्ड सब नहीं बनाता, सल्फर में ही सिर्फ पाई बॉन्ड बनता है। अब बोलिए ना हेलो एवरीवन, इसीलिए वो सॉलिड है पॉलीमेरिक फॉर्म में। एनी प्रॉब्लम? नो सर। आगे बढ़ें जल्दी बताइए। अब आइए तीसरा पॉइंट ये है, और से सुनिएगा लिखिएगा नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड इज, ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, बट TiO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि दोनों का देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर है, यहाँ भी प्लस फोर है, फिर भी ऐसा क्यों? देखिए केमिस्ट्री क्या कहता है, और सुनिए, आपने नहीं पढ़ा कल के लेक्चर में, प्लस सिक्स की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, घटती है। हाँ या ना जल्दी बताओ। अब प्लस फोर की स्टेबिलिटी बढ़ती है। हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहा है? यस सर। खुद सोचिए सल्फर में प्लस सिक्स की स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करके रिड्यूसिंग एजेंट करेगा। दोबारा रिपीट कर रहा, आपसे पूछेगा SO2 is reducing agent, TO2 is oxidizing agent, तो ये statement को भी आपको समझना है। तो वही कहना है इस सल्फर के केसेस में प्लस सिक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ऑफ प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू विच SO2 is reducing agent। बोलिए हाँ या ना जल्दी बताइए। और जब रिड्यूसिंग एजेंट है इसका मतलब टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग नेचर घटेगा कि नहीं जल्दी बताएं। अरे बोलिए ना हेलो एवरीवन, प्लस सिक्स की स्टेबिलिटी घट रही है तो रिड्यूसिंग नेचर घटेगा, जब रिड्यूसिंग नेचर घटेगा तो TiO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ कर। अरे यशवर्धन जी लग सबको समझ में आया ये लाइन? हेलो एवरीवन, ये आसिया स्वस्ति बोल ही नहीं रही है? yes, सर ये ग्रुप 15 के ऑक्साइड्स में नहीं है क्या? हुआ सर ग्रुप 15 के ऑक्साइड्स में भी यही हुआ? ग्रुप 15 में ऑक्साइड में वहाँ रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हायर होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, वहाँ डाइऑक्साइड नहीं बनता है, वहाँ तो बहुत अलग अलग टाइप का बना था ना, वहाँ डाइऑक्साइड नहीं बना था, वहाँ वो बातें नहीं होंगी। ये बातें का मतलब नहीं कि वहाँ भी वो बातें होंगी, समझ रहे ना साइंटिस्ट?
वहां डाइऑक्साइड नहीं बना था, वहां सब E2E3 और E2O5 बना था। हाँ, कहने को आप कह सकते हैं कि P4O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जहां भी हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन PO2 में इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज उसने +4 की स्टेबिलिटी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम घटती है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग नेचर कम है, इसलिए कहा गया उस वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी ज्यादा है। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। यस सर। अब ये वाला पॉइंट तो सबको मालूम है, गौर से सुनो। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ये सबको मालूम है कि नहीं, जल्दी बताएं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। हेलो एवरीवन। यस सर। ऑर्डर ऑफ, ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, एसिडिक करेक्टर आपसे पूछेगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। देखिए, अगर आपको कहा जाए सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड, बोला जाएगा मोर एसिडिक कौन है, पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा मोर एसिडिक। लेकिन अगर यही पूछा जाए SiO2 है, PO2 है, और PO2 है, आजा एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर, पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेम होगा तो हम साइज को देखेंगे, साइज छोटा वही बात है, वहां पर ही यही बात है, साइज में छोटा ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा है, एसिडिक करेक्टर ज्यादा है। तो ये आया सबको समझ में? हाँ या ना? यस सर। यस। कुछ तो बोलिए सारे लोग। ये था ऑक्साइड के बारे में सारी। आप देखिए तीसरी, मैंने कहा था ना, एक पढ़िएगा तो सब कुछ ध्यान में आता जाएगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, इस क्लास में लगभग ग्रुप 16 ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, इसलिए सबको हर दिन पर लीजिए प्लीज, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अब ये कौन कौन हैलाइड बनाता है, सारे लोग ध्यान दो, लिख लिया पहले? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। अब देखिए, जैसे वहां ग्रुप 15 में पढ़ा था, दो तरह का हैलाइड था, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड, उसमें सारी बातें आपको बताई गई थी। उसी तरह यहाँ पर आइए, पहले कौन कौन सा हैलाइड बनाता है। सबसे पहली बात, ये हेक्साफ्लोराइड बनाता है, हेक्साफ्लोराइड। नंबर 2 टेट्रा हैलाइड, बहुत सारे हैलाइड हैं, टेट्रा हैलाइड। सी जो है वो डाई हैलाइड भी है, और बी इस तरह के मोनो हैलाइड, ये चार तरह के हैलाइड। तो चारों को एक साथ नहीं करेंगे, एक साथ सबको लिखवाएंगे, अलग अलग नहीं पढ़ना है इसमें, वहाँ बहुत सारे पॉइंट्स थे इसलिए पढ़ा आपने अलग अलग। तो यहाँ चार तरह के हैलाइड, आप एक और किया होगा, बताइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हेक्सा हैलाइड है कि हेक्सा फ्लोराइड है, जल्दी बताइए। हेक्साफ्लोराइड। हेक्सा हैलाइड का इसलिए नहीं लिखा गया, तो पहला क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, SF6 इज पॉसिबल, HCl6 इज नॉट पॉसिबल, याद रखिए। सराउंडिंग एटम की साइज अगर बढ़ती है, भाई भाई रिपल्शन होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, इसलिए नहीं बनेगा। स्टेरिक रिपल्शन की वजह से, पहले यहाँ देखिए सारे लोग,
बोलिए सारे लोग हाँ या ना। यस सर। चलिए आज इतना ही पढ़ते, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।